राम मंदिर ट्रस्ट की पीएम मोदी के साथ बैठक खत्म। शिलान्यास के लिए अयोध्या आने का दिया न्योता। नमस्कार, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास और इसके सदस्यों ने गुरुवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी से उनके आवास सात लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। इस दौरान मंदिर निर्माण में पीएम मोदी की भूमिका के लिए धन्यवाद दिया गया और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। पीएम मोदी को ट्रस्ट की पहली बैठक के दौरान हुई बातों की जानकारी दी गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने शिलान्यास के लिए मुहूर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आने का न्योता दिया। ट्रस्ट की अगली बैठक अयोध्या में 3 और 4 मार्च को होगी, जिसमें मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। बता दें, केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बुधवार को पहली बैठक हुई, जिसमें राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष प्रबंधक का दायित्व सौंपा गया। वहीं विहिप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपत राय को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। ट्रस्ट में शामिल वरिष्ठ वकील ने परासरन के आवास पर हुई बैठक में स्वामी गोविंद देव जी गिरी से महाराज पूना को कोषाध्यक्ष चुना गया। इससे पहले नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के सदस्य नहीं थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपिंद्र मिश्रा को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख बनाया गया। बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए दान प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता अयोध्या की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुलवाया जाएगा। बैंक के बाद चंपत राय ने पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। फिलहाल मंदिर निर्माण कब से शुरू होगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ। अगली बैठक अयोध्या में होगी, जिसमें मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली की फर्म शंकर अय्यर एड कंपनी रंजीत नगर पटेल नगर नई दिल्ली को ट्रस्ट का चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये कंपनी ट्रस्ट के अकाउंट से संबंधित वैधानिक कार्यों से पूरा करेगी। बैठक में फैसला किया गया है कि अयोध्या धाम के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में ट्रस्ट का जो बैंक अकाउंट खोला जाएगा, उसका संचालन स्वामी गोविंद देवगिरी जी, चंपत राय, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होंगे। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप से अतिरिक्त सचिव गृह विभाग गणेश कुमार बैठक में शामिल हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।